गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, वी आर कवरिंग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स इन दिस सीरीज। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप मोर देन हाफ थिंकर्स, मोस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे वी विल कवर थ्री इंपॉर्टेंट थिंकर्स, बेनिटो मुसोलिनी, वोलंसक्राफ्ट एंड साइमन डी बोए। बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज लाइक द वीडियोज, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट, प्लीज प्रेस द आइकन बटन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेन न्यू वीडियोज अपलोडेड ऑन दिस चैनल। So let us start for today's video. Today's important thinker is Benito Mussolini. He was a key figure in the development of fascism. एक बार आप ये लाइन देख लो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फासिज्म और नाजिज्म में क्या फ़र्क है। एंड फासिज्म वॉज द डिफरेंट फ्रॉम हिटलर नाजिज्म। नाजिज्म वॉज ए रेसिस्ट आइडियोलॉजी। देखो, फासिज्म और नाजिज्म में ये फ़र्क है कि जो नाजिज्म है दैट इज रेसिस्ट फासिज्म। नाजिज्म फासिज्म से भी बढ़ के है। फासिज्म का मतलब यह होता है किसी चीज़ को, ये कैसे, ये वर्ड किस भाषा से, ये दो वर्डों से, दो भाषाओं से लिया गया वर्ड। एक लैटिन भाषा में भी इसका जिक्र हुआ है एंड ये इटालियन भाषा में भी है। इसका मतलब होता है बाउंड टुगेदर। फासिस्ट मतलब किसी भी कोई एक फिलोसफी, किसी भी एक आइडियोलॉजी को लेके लोगों को आपस में जोड़ देना, उनको बाउंड टुगेदर कर देना एंड क्रिएट स्प्रिट, आपस में एक ऐसी भावना, एक ऐसी फीलिंग पैदा कर देना ताकि ये लोग यूनाइटेड रहें। तो ये नाजिज़म में आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़र्क है। तो नाजिज़म में क्या होता है, वो जो फीलिंग होती है एक पर्टिकुलर रेस को लेकर हो जाती है, पर्टिकुलर एक जाति को, एक स्पेशल रेस है रेसिस्ट, उसको लेके हो जाती है ये चीज़ें। तो हिटलर के जब हम वीडियो देखेंगे आगे, हिटलर वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं वैसे, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, हिटलर ने आर्यन रेस को लेके बहुत फोकस किया कि आर्यन जो रेस है वो सुप्रीम रेस है और सबसे प्योर रेस, सबसे अच्छी रेस है वो, और उस रेस को एक फासिस्ट आइडियोलॉजी के थ्रू जोड़ना और उसको बांधे रखना वो नाजिज़म है। लेट अस मूव एड। ही वॉज बोर्न इन 1883। मुसोलिनी इटली में पैदा होता है 1883 में एंड इज बिगेन हिज लाइफ एज ए सोशलिस्ट एंड नेशनलिस्ट। लेटर ही बिकम ए पार्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिस्ट। नाउ दिस ग्रुप डिमांड दैट एट दैट टाइम वर्ल्ड वार हैज़ ऑलरेडी बिगन। तो ये जो ग्रुप था जिसका लीडर बना था, ये एक्सट्रीम नेशनलिस्ट थे, दे वर डिमांडिंग दैट इटली शुड पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वार वन। ही बिल्ट ए रेसिस्ट पार्लियामेंट पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ब्लैक शर्ट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन मैनी टाइम्स दैट इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दैट हु वर द ब्लैक शर्ट और द पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑर्गेनाइज बाई द मुसोलिनी, क्या कहते थे उनको, ब्लैक शर्ट, रेड हेलमेट, ब्लू हेलमेट, इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ब्लैक शर्ट्स, ही सीज़ द पावर इन 1922 में वो पावर सीज़ कर लेता है इटली की एंड पावर में आ जाता है और 21 साल तक राज करता है। 1936 में क्या होता है कि एक अलायंस बनाता है हिटलर के साथ में एंड 1943 में ही डिसमिस्ड अरेस्ट हो जाता है। ये जो अलायंस बनाया था 1936 में, ग्रैंड अलायंस, जो हिटलर के साथ में, उसको बोलते थे रोम बर्लिन एक्सिस बोलते थे उसको। जब लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो ये हिटलर से साथ लेता है हिटलर का, और हिटलर के साथ में एक अलायंस बनाते थे जिसको रोम बर्लिन एक्सिस बोला जाता है। 1943 में उसको डिसमिस किया जाता है और अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन क्या था, इसने ऑलरेडी ही हैज मेड एन अलायंस विद द हिटलर, सो हिटलर rescued him and installed him ruler of northern Italy, but in 1945 he captured and he was murdered.
फिलोसफी के पार्ट क्या करता है, फासिज्म क्या है? फासिज्म में एक इटालियन वर्ड है फासियो, उससे बना है, जिसका मतलब है बंडल और बाउंड टुगेदर। दिस वर्ड वाज आल्सो सिंबल ऑफ अ रोमन अथॉरिटी अडॉप्टेड बाय मुसोलिनी। फासिज्म राइटिंग इज फाउंड इन राइटिंग ऑफ हिज फॉलोवर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज जियोविनी जेंटाइल। जो फासिस्ट जो आइडियोलॉजी थी वो उसकी मुसोलिनी की और उसके फॉलोअर्स की राइटिंग्स में हमें मिलती है। एंड इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉलोअर था वो था जियोविनी जेंटाइल। मुसोलिनी एंड जियोविनी जेंटाइल रोट ए फासिज्म एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये एक बुक थी, फासिज्म डॉक्ट्रिन ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब फीचर ऑफ फासिज्म का फीचर क्या कहते हैं, इसके चार पांच फीचर हैं इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट को पांच ही पूछता है। फीचर क्या थे फासिज्म में, फॉर द जो लोग वो आर प्रिपेयरिंग फॉर द एम ए पोलिटिकल साइंस, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब कैन बी आस्क्ड व्हाट आर द फीचर ऑफ फासिज्म। तो पांच फीचर हैं, हम को सीरियल नंबर से लिस्ट करेंगे। फासिज्म ग्लोरीफाई द स्टेट, सॉरी फासिज्म ग्लोरीफाई द स्टेट। फासिज्म है ना स्टेट को ग्लोरीफाई करता है, उनके लिए स्टेट सबसे बड़ा है। ही फासिस्ट पीपल बिलीव दैट इफ एन इंडिविजुअल इज कैन इज इंडिविजुअल नीड टू बी सेक्रीफाइज टू सेव द फॉर सेविंग द नेशन सेक्रीफाइज द इंडिविजुअल। स्टेट रिप्रेजेंट द यूनिफाइड पीपल एंड इंडिविजुअल इज सबॉर्डिनेट टू स्टेट। इंडिविजुअल कांट बी कैन बी सेक्रीफाइज फॉर द स्टेट। फासिज्म डिडंट टॉलरेट एनी डिविजन एंड डाइवर्सिटी, क्योंकि डिविजन एंड डाइवर्सिटी तो इनके अंदर है नहीं। फासिस्ट का मतलब ही वही है कि बाउंड टुगेदर, दोनों बांधे रखना उनको किसी न किसी फीलिंग के साथ में, स्पेस किसी न किसी धर्म के साथ में, किसी जगत में, ऐसे इनको यूनाइट रखना, यूनिफाइड रखना, यही फिलोसफी की है फासिज्म की। तो ऑब्वियस ही बात है देर माइट नॉट बी एनी डाइवर्सिटी एंड एनी डिवीजन इन द स्टेट, देर शुड बी नो डिवीजन एंड डाइवर्सिटी। सेकेंड जो फीचर है फासिज्म का वो है इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कॉरपोरेटिज्म, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आर रिप्रेजेंटेड बाई द कॉरपोरेट्स। थर्ड फीचर है फासिज्म ग्लोरीफाई इट्स लीडर। फासिज्म में क्या है, उनके नेताओं की बहुत बड़ी वो होती है, मतलब ग्लोरीफाई किया जाता है कि हमारे प्रीवियस लीडर वर वेरी ब्रेव, दे फाइट ब्रेवली, उन्होंने अच्छा किया, दे वर कंसिडर गुड लीडर, दुनिया के अंदर उनकी पहचान थी। तो ग्लोरीफिकेशन ऑफ द लीडर्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन फासिज्म, इस थर्ड इन फीचर से ही। तो इसके लिए मुसोलिनी ने क्या किया है, अपने आप को इल ड्यूज कह लिया, अपना आपने एक निकनेम बना दिया इल ड्यू इल ड्यू। एंड ही कॉल्ड हिटलर को उसने एक अपना उसका निकनेम दे दिया डर फ्यूहर, जिसका दोनों का मतलब उन भाषाओं में लीडर ही कहते हैं उनको। लीडर इज द सिंबल ऑफ पीपल एंड ही हैज प्रूव्ड बाय द हैविंग स्ट्रगल टू टॉप। फोर्थ जो फीचर है फासिज्म का वो फोर्थ है, फासिस्ट लीडर आर नॉट ऑटोक्रैट, दे आर डेमागोग्स, दे अपील टू मास पीपल एंड मेंटेन हाई डिग्री ऑफ मास सोलिडरिटी एंड कंट्रोल द मास मीडिया फॉर प्रोपेगेंडा, ग्रेट एम्फेसिस ऑन द सिंबोलिज्म। डेमागोग्स मतलब वो है जो लीडर हैं जो अपना एक सिंबल लेकर चलते हैं, जैसे कि हिटलर का सिंबल था अपना जो स्वास्टिक होता है अपना इंग्लिश में, जिसमें उसी को उसका सिंबल था। तो इस टाइप हर लीडर का अपने एक सिंबल माना मानते थे ये लोग, और ये मास मीडिया को कंट्रोल करते थे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, किसी टाइप का प्रोपेगेंडा कि इस देश में युद्ध, देश पे अटैक होने वाला है बाहर से, तो सब इकट्ठे हो जाओ, इस टाइप की मतलब यूनिफिकेशन करते थे, कोई ना कोई डरा के रखते थे, ये एक फीचर था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फीचर इम्पोर्टेंट है पर लास्ट नहीं है, और भी बहुत हैं लेकिन इम्पोर्टेंट सी हैं, ग्लोरीफिकेशन ऑफ वॉर, इट इज़ द वॉर वेयर नेशन इज मोस्ट यूनाइटेड एंड डिसिप्लिनड, फासिस्ट रिजाइम टेंड टू बी हाईली मिलिटरिस्टिक। दीज वर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द फासिज्म। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज रीड ऑल द फीचर्स दैट आर टोल्ड इन दिस वीडियो। एंड फासिज्म और नाजिज्म में क्या फ़र्क है, ये यही आता है अक्सर।
सो नेक्स्ट आवर थिंकर इज मैरी वोलंसक्राफ्ट। मैरी वोलंसक्राफ्ट का क्या, मैरी वोलंसक्राफ्ट ही वाज ए फेमिनिस्ट, सॉरी सी वाज ए फेमिनिस्ट, ये लेडीज हैं। मैरी वोलंसक्राफ्ट सी वाज ए फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट थिंकर मतलब क्या होते हैं, जो कि वुमेन की अपलिफ्टमेंट इन सोसाइटी के लिए काम करते हैं। सी वर्क वेरी लॉट टू रेज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन नॉट इन यूरोप बट इन वर्ल्ड। बट स्टार्टिंग में यूरोप में स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, जो बाद में कुछ सालों के बाद कुछ फिर ये पूरे वर्ल्ड में फैली है ये फेमिनिज्म की जो वेव थी। तो सी वर्क लॉट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ वुमेन इन यूरोप। सी रोट ए बुक दैट इज विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन इन 1790। सी वॉज बोर्न इन लंडन इन 1759। दिस बुक इज, जो बुक लिखी थी ये, जो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन, दिस बुक वॉज फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट वे ऑफ फेमिनिज्म। फर्स्ट ऑफ वे ऑफ फेमिनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में जो फेमिनिस्ट जब हम वेस्टर्न फिलोसफिकल पार्ट पढ़ेंगे तब उसमें हम आपको बताएंगे कि फेमिनिज्म है क्या, फर्स्ट वेव कब आई, सेकेंड वेव कब आई, थर्ड वेव की कब आई। तो फॉर टुडेज वीडियो के लिए हम इतना ही करेंगे कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की स्टार्टिंग जो हुई थी इस बुक से हुई थी, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। सी वॉज ए लिबरल फेमिनिस्ट। वोलंसक्राफ्ट अप्लाइज स्टैंडर्ड लिबरल वैल्यूज एंड आर्ग्यूमेंट टू स्पेसिफिक केस ऑफ वुमेन। एंड नेक्स्ट थिंकर इज साइमन डी बेवोय। सी वॉज ए लेडी। सी वॉज बोर्न इन पेरिस इन 1908 एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क इज द सेकेंड सेक्स 1949। आप इमेजिन कर सकते हो कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में कितना फ़र्क है। फर्स्ट वेव 1790 में आई थी, सेकंड वेव 1949 में आई थी, यू कैन से आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। दिस बुक गिव राइज टू सेकंड वेव फेमिनिज्म एंड बिफोर पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक वुमेन वर गिवन इक्वल लीगल एंड पोलिटिकल राइट। जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें सिर्फ हमें लीगल एंड पोलिटिकल राइट दिए गए थे लेडी वुमेन को। इसकी बुक के, इस सेकंड वेव के आने से पहले तो जो सेकंड बुक जो लिखी थी, जो सेकंड वेव आई थी द सेकंड सेक्स जो बुक थी उसके बाद स्टार्ट हुई। एंड इस बुक में सी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टनिज्म। एग्जिस्टनिज्म एक कॉन्सेप्ट है, एक फिलोसफी है। हम बताएं क्या है ये। द फिलोसफी इज डेवलप्ड बाय जीन पोल। एक जीन पोल एक थिंकर हुए हैं, उन्होंने ये फिलोसफी को डेवलप किया है। एग्जिस्टनिज्म का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, सपोज करो मैं लेट मी टेल यू वन एग्जांपल, कि कोई भी एक, सपोज यू आर इन कोल्ड वेदर, तो आप कोल्ड वेदर को किसके रिस्पेक्ट में कोल्ड कहोगे, गर्मी के रिस्पेक्ट में। हर चीज़ का क्या अपोजिट है, ठंड को गर्मी बताओगे, छाँव के लिए बोलोगे धूप है, तभी तो छाँव की वैल्यू है। अंधेरा है, लाइट नहीं है, लाइट है तभी तो अंधेरा है। जहाँ लाइट ख़त्म हो जाएगी वहाँ अंधेरा आ जाएगा, जहाँ अंधेरा है वहाँ, जहाँ लाइट आ जाएगी वहाँ अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब दीज आर अपोजिट टू इच अदर। तो किसी एक ही चीज़ को एग्जिस्ट, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए हमें दूसरी उसकी अपोजिट चीज़ को भी दिखाना पड़ेगा। यही एक फिलोसफी है एग्जिस्टनिज्म की। ए पर्सन नीड अदरनेस टू डिफाइन द सेल्फनेस। मैन दे डिफाइन देम सेल्फ एज ए सेल्फ एंड पुट वुमेन इन अदर। दे पुट इन वुमेन इन अपोजिशन एंड बिकम अदर एज ए ऑब्जेक्ट। ये वुमेन को मैन, इसने बताया कि इस मैन है ना अपने अपोजिट में वुमेन को रखता है और खुद को सब्जेक्ट मानता है और वुमेन को ऑब्जेक्ट मानता है। वुमेन कांट डिफाइन themselves, दे आर डिफाइंड बाई मैन। वुमेन की कोई डेफिनेशन नहीं है। वुमेन वो है जो मैन नहीं है। दे हु आर अपोजिट टू मैन इज वुमेन। वुमेन डिडंट हैव एनी ओन आइडेंटिटी। सो शी यूज द फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टनिज्म टू शो द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। उसने ये फोकस किया कि जो भी कुछ अच्छा है, दैट ऑल इज गुड, वो मैस्कुलाइन है, वो मैन है, एंड मैन रिप्रेजेंट ऑल अ पॉजिटिव एंड गुड।
ऑल दैट इज बैड, और जो सबवेरेंट है, जो बुरा है, वो फीमेन क्वालिटी है, एंड ए वुमेन रिप्रेजेंट ऑल दैट आर बैड और इन्फीरियर. सी आर्ग्यू दैट फीमेन क्वालिटी आर नॉट नेचुरल टू वीमेन. उसने बताया कि जो फीमेन क्वालिटी है ना, दे आर नॉट नेचुरल, दे आर नॉट बोर्न विद वीमेन, दे आर बोर्न विद डिफरेंट जेंडर, बट दे आर नॉट बोर्न विद दीज क्वालिटीज. दीज क्वालिटी आर इम्पोज बाई मैन, दीज आर क्वालिटीज आर इम्पोज बाई सोसाइटी ऑन वीमेन. सपोज हम आज फील करते हैं कि जो भी मजबूत है वो मैन है, जो सॉफ्ट है वो वुमेन है, जिसको गुस्सा आता है वो मैन है, जिसको लव करता है, जिसको पैशन है, कंपैशन है, वो वुमेन है. वुमेन इज केयरिंग नर्चरिंग, मैन कांट डू केयरिंग एंड नर्चरिंग. सो वुमेन डिडेंट क्रिएट एनी आइडेंटिटी, मैन क्रिएट हिज ओन आइडेंटिटी, एंड समथिंग हु इज अपोजिट टू मैन इज वुमेन. सी आर व्यू फीमेन क्वालिटीज आर नॉट नेचुरल टू वुमेन, वी हैड मेड द फेमिनिटी. फेमिनिटी एंड जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट, दे आर नॉट बोर्न, दे आर वुमेन. ही टेल्स अ सोल्यूशन दैट रिकॉग्नाइज एज इक्वल एंड दे शुड नेचुरली रिकॉग्नाइज ईच अदर एज ए सब्जेक्ट. इसने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, सब सब्जेक्ट हैं. तो उसने आफ्टर राइटिंग दिस बुक सी क्रिएटेड सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म. बहुत सारे सुधार हुए इसके बाद. हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे कि थर्ड वेव कैसे आती है एंड हाउ द कंडीशन ऑफ वुमेन अपलिफ्ट इन सोसाइटी. सो दिस इज फॉर टूडे. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.